हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आगरा का बहुत ही फेमस नाश्ता बेड़मी पूड़ी और आलू की सब्जी। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने आधा कप उड़द दाल को अराउंड 1 आवर गर्म पानी में सोक किया है और उसके बाद इसे हरी मिर्च और अदरक के साथ में ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से इसे बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है। अब हम एक पैन में अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब हम इसमें सौंफ और ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें अराउंड 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर ऐड करके इसमें उड़द दाल का मिक्सचर ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे अराउंड 1/2 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून एंड गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें नमक और काला नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग रेडी है। अब डो बनाने के लिए हम एक बाउल में 2 कप आटा लेंगे। इसमें 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे एंड अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसका आटा गूंद लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं चाहिए है। जैसा हम पूड़ियों के लिए डो बनाते हैं इसको उतना ही हार्ड रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसे अराउंड 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम एक बॉयल में 1 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून हरा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी लेके पानी से इसका पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि ये तेल में डालने पर जले ना। इस तरह से हम इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, 2 तेज़पत्ते। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑयल में सेक लेंगे। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। और 1-1 चम्मच ज़ीरा और सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टमाटर ऐड करेंगे बारीक कटे हुए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे अराउंड 5 मिनट तक कुक करना है, जब तक कि इसमें साइड से ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए इसमें ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें उबले हुए आलू को इस तरह से हाथ से तोड़कर ऐड करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे हम इसको हाथ से ही। इसे अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसे बॉईल आने तक कुक करना है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारी सब्जी रेडी है। ये हमारा आटा रेस्ट कर चुका है। अब हम इसकी छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे इस तरह से। ये जो उड़द दाल का मिक्सचर था इसके मैंने इस तरह से गोले बना लिए हैं। अब हम इसको जिस तरह से कचौड़ी फिल करते हैं उस तरह से आटे के बीच में रख के इस तरह से बंद कर देंगे और इसकी पूड़ियाँ बेल लेंगे।
बहुत ज़्यादा पतली पूरी नहीं चाहिए हमें इसकी, इसको हल्का सा मोटा रहने देंगे इस तरह से। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। हमें इसको हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये क्रिस्पी नहीं होगा। इस तरह से दोनों साइड से हम इसको गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे। सारी बेड़ियाँ हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी सारी बेड़मी पूरी रेडी है। इन्हें गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ में सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।